हंसते खेलते दो नंबर लाना है बच्चों तो इस वीडियो को जरूर देखिए। टॉपिक है बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके लिए बच्चों एक रिएक्शन को लेते हैं, ए है प्लस बी है, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका जो है बच्चों स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स है और इसका क्या है वाई है। हालांकि रेट लॉ में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई जगह नहीं है, ओनली सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग कर सकते हैं, जो रिएक्शन सिर्फ सिंगल स्टेप में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब भी होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। तो बच्चों इसका हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट आ गया, ए का कंसेंट्रेशन पर पावर एक्स, बी का कंसेंट्रेशन पर पावर वाई, है ना। अब यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और यही है आपका के, जो है आपका रेट कांस्टेंट है। यानी के बराबर अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई ए का कंसेंट्रेशन पर पावर एक्स, बी का कंसेंट्रेशन पर पावर वाई। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डिफिनेशन होता है, सम ऑफ पावर कंसेंट्रेशन टर्म दैट अपीयर इन रेट लॉ, यानी एक्स प्लस वाई ए जो हो गया आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और x प्लस वाई को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, रेट क्या कहता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसका यूनिट अगर लिखना हो तो लिखेंगे मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन, है ना। अब कहता है ए का कंसेंट्रेशन, अब कंसेंट्रेशन जब आ गया तो क्या होगा, मोल लीटर माइनस वन पर पावर एक्स, है ना। अब इसका है, इसका भी यही होगा, मोल लीटर माइनस वन पर पावर वाई, है ना। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, इसको यहां कर दीजिए, मोल लीटर माइनस वन ए जो है सिर्फ एक है, पावर एक दे दीजिए और इसको अलग कर दीजिए पर सेकेंड। अब यहां बच्चों क्या करना है, देखिए मोल पर लीटर, है ना। तो यहां ऐसे करेंगे मोल लीटर माइनस वन और एक्स प्लस वाई, है ना। अब बच्चों यहां कर दीजिए डायरेक्ट के कर दीजिए, के बराबर मोल पर लीटर पर पावर वन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल लीटर माइनस वन पर पावर एन। अब बच्चों क्या होगा, पावर एन जाएगा, क्या होगा, के इजकल टू मोल लीटर माइनस वन, यहाँ वन है पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एन पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, किसी भी ऑर्डर का जो है आप यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग को निकालना है जीरो ऑर्डर, बस वैल्यू बैठाइए, है ना। जीरो ऑर्डर के बराबर जो है दिया हुआ है मोल लीटर माइनस वन, यहां करेंगे वन माइनस जीरो पर सेकेंड, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही यूनिट हो गया बच्चों। यानी वन माइनस जीरो क्या होगा, जीरो वन होगा। अब है फर्स्ट ऑर्डर बस के बराबर फॉर्मूला बैठाइए, मोल लीटर माइनस वन, यहाँ होगा वन माइनस वन
पर सेकेंड क्या होगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये तो जीरो हो गया, यानी यूनिट होगा सिर्फ पर सेकेंड। कितना आसान है बच्चों। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर का निकालिए, सेकेंड ऑर्डर के बराबर मोल लीटर माइनस वन, यहां कर दीजिए 1 माइनस 2 पर सेकेंड। अब बच्चों बताइए, 1 माइनस 1 यानी माइनस वन हो गया, माइनस वन अगर मल्टीप्लाई इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां होगा पर मोल, एल माइनस है तो ये क्या हो जाएगा लीटर पर सेकेंड। किसी का भी यूनिट निकालना हो बच्चों, बस एक फॉर्मूला है आपके सामने, इसमें एन का वैल्यू बैठाइए, आसानी से यूनिट निकालिए।